नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूल कुमारी दीदी। पिछली बार आप जो हमें गांव में श्रीकांत जी के घर ले गई थी, बड़ा मजा आया था। क्या स्वादिष्ट लस्सी पिलाई थी उन्होंने अपनी प्यारी गाय के दूध की। क्या आज भी हम ऐसे ही कहीं घूमने जाएंगे दीदी? आज घूमने तो नहीं जाएंगे, मगर श्रीकांत जी और उनकी गाय की ही तरह एक गाय की कहानी सुनाऊंगी तुम्हें। कहानी? बड़ा मजा आएगा दीदी, सुनाइए। हाँ तो सुनो। तो ये कहानी है एक गाय और उसके मालिक के बारे में। गाय का नाम था कजरी। मालिक को अपने गाय से बहुत लगाव था। वह पूरी तरह से उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था और अपने खुद के छोटे बच्चे की तरह उसे दुलार करता था। कभी कभी जब गाय को नींद नहीं आती थी तो वह उसकी पीठ सहला करके उसे कहानियां सुनाकर सुलाता भी था। और कजरी को भी मालिक से उतना ही लगाव था। कजरी खुशी खुशी जब भी मालिक चाहता अपना दूध निकालने की अनुमति दे देती, और जब उसे निकलवाने का मन न होता तब मालिक खुद ब खुद ही समझ जाता। दोनों का रिश्ता बड़ा ही गहरा था। अरे वाह, ये तो एकदम श्रीकांत जी और उनकी गाय की जोड़ी लगती है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर एक दिन मालिक ने कजरी को हर दिन की तरह कुछ समय के लिए बस यूं ही खुला छोड़ दिया था, ताकि वह खेत में सैर कर सके, घूम सके, चारा चढ़ सके। पर कजरी रोज रोज उसी खेत में सैर कर करके बोर हो चुकी थी। उसने सोचा क्यों ना आज कहीं और सैर करने जाया जाए, और वह ये सोचते हुए पास के जंगल में घूमने चल पड़ी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे समय पर घर वापस आना था, जिससे उसके मालिक को उसकी चिंता ना हो, क्योंकि वह उसे बता के तो जंगल गई नहीं थी, अपने आप ही निकल पड़ी थी। फिर क्या हुआ दीदी? फिर कजरी उछल उछल के नाचती हुई जंगल की सैर कर रही थी। तभी रास्ते में चलते चलते उसका पैर एक दलदल में घुसते घुसते बच गया। कजरी ने चैन की सांस ली, दुब्बल रुकी और फिर मस्ती में गाती हुई अपनी गले की घंटी बजाती हुई चलती गई। उसने रास्ते में कई चीजें देखी, उड़ती तितलियां, चहकती गुरैया, रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फूल पत्ते, लंबे लंबे हरे पेड़, ठंडी ठंडी गीली जमीन पर पड़े सूखे पत्ते, एक छोटा सा तालाब, कुछ कटे हुए पेड़, एक शेर। शेर? हाँ, शेर। अब क्या? कजरी बहुत डर गई। पालतू होने के कारण ऐसी स्थिति का सामना उसने पहली बार किया था। डर के मारे उसके तो पैर ही कांप रहे थे, हिल भी नहीं पा रही थी। और उधर शेर ने इस मोटी ताजी स्वस्थ गाय को ही अपना खाना बनाने का निश्चय कर लिया। फिर शेर धीरे धीरे कजरी की ओर बढ़ता जा रहा था, और उधर डर से कजरी के तो जैसे पैर ही जाम हो गए थे, वह हिल भी नहीं पा रही थी। और वहीं शेर धीरे धीरे उसके पास आ रहा था, कभी भी झपट्टा मार सकता था। अरे दीदी, ये कजरी भाग क्यों नहीं रही है? ऐसे तो शेर उसे खा जाएगा ना? जैसे ही शेर पास आया तो कजरी अचानक मुड़ी और वहां से भागने लगी। फिर बस भागती ही चली गई, बिना सोचे समझे किसी भी दिशा में। उसे तो बस शेर से पीछा छुड़ाना था। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के ना देखा, बस भागती गई भागती गई भागती गई। और शेर वो उसके पीछे पीछे भागता गया भागता गया भागता गया। हे भगवान, शेर तो गाय को कभी भी पकड़ सकता है ना? वो तो गाय से तेज दौड़ सकता है। हाँ, पकड़े जाने की संभावना तो थी ही, और भागते भागते अब कजरी थक भी चुकी थी, तो इतनी तेज दौड़ भी नहीं पा रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि शेर उसे पकड़ ही लेगा कभी ना कभी तो, क्योंकि वह काफी तेज था और उसके काफी पास भी आ चुका था। और तभी कजरी के दिमाग में एक उपाय आया। आइडिया! हाँ, उसे उस दलदल का ख्याल आया जिसमें शुरू शुरू में उसका पैर पड़ने वाला था।
उसने सोचा कि यही उसके लिए एक रास्ता है और कैसे भी करके दलदल तक पहुंचना ही होगा उसे। वह अचानक से दाईं तरफ मुड़ गई और अपना पूरा जोर लगाकर दलदल की ओर दौड़ पड़ी। गाय के इस अचानक मुड़ने के कारण शेर कुछ समझ ही नहीं पाया और उसे कुछ समय लगा अपनी दिशा बदलने में। इससे कजरी को थोड़ा समय भी मिल गया, पर अचानक अपने शिकार की इस हरकत से बौखलाए हुए शेर ने और तेजी में दौड़ना चालू कर दिया। फिर दीदी? फिर कजरी दलदल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसने पहली बार पीछे मुड़कर देखा और शेर को अपने काफी करीब पाया। गाय ने अपनी आंखें बंद करी और पूरी शक्ति से भागकर उसी समय दलदल में कूद पड़ी और शेर भी उसके पीछे पीछे अनजाने में दलदल में जा गिरा। अरे वाह दीदी, गाय की तरकीब तो काम कर गई। शेर दलदल में फंस जाएगा और उसको मार नहीं पाएगा। पर दीदी, अब वो खुद भी तो दलदल में फंस गई वहाँ। अब क्या करेगी, निकलेगी कैसे बाहर? अरे पूरी कहानी तो सुनो। दलदल में होते हुए भी शेर लगातार कजरी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था, पर जितने भी हाथ पैर चलाता शेर उतना ही गहरा दलदल में फंसता जाता। वहीं कजरी एकदम स्थिर, बिना हिले डुले आराम से दलदल में बैठकर हांफ रही थी। कुछ समय बीत गया पर शेर अब भी कजरी की तरफ देखकर चेतावनी देते हुए हंस रहा था। कजरी ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? शेर ने कजरी को डराते हुए कहा, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ। मैं तो निश्चित रूप से तुमसे पहले इस दलदल से बाहर निकल ही जाऊंगा और निकलते ही सबसे पहले तुम्हें खाऊंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत भूख लगी है मुझे। कजरी कुछ न बोली। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा। कुछ समय बाद कजरी ने शेर से पूछा, क्या तुम्हारा इस जंगल में परिवार, कोई मालिक या कोई अपना है? शेर प्रश्न सुनकर कुछ समझ न सका। उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि वे इस बेमतलब के सवाल का क्या जवाब दे। यहाँ एक तरफ वह गाय को खाने का विचार बना बैठा है और गाय उससे डरने की बजाय ऐसे उल्टे सुलटे प्रश्न कर रही है। फिर उसने घमंड भरे स्वर में जवाब दिया, मेरा कोई मालिक कैसे हो सकता है? मैं तो स्वयं इस जंगल का मालिक हूँ। मुझ पर किसी का संयम नहीं है। और रही मेरे परिवार की बात, तो मेरा कोई नहीं है। कई साल पहले मेरी पत्नी और मेरे दो शावकों का शिकार हो गया था। तभी से मैं अकेला ही इस जंगल पर राज कर रहा हूँ। मैं अकेला ही इस जंगल का राजा हूँ और मैं अकेला ही खुश भी हूँ। मुझे किसी परिवार या मित्र की जरूरत नहीं। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझसे मित्रता कर लोगी ताकि मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। कजरी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम दलदल से बाहर मुझसे पहले निकल जाओगे तो तुम गलत हो। शेर गाय का आत्मविश्वास देख हंसने लगा और बोला, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पर कजरी ने कहा, एक पास के खेत में ही मेरा मालिक रहता है। अभी शाम ढलने ही वाली है। अंधेरा होने पर जब मैं खेत में ना मिलूंगी, वो मुझे ढूंढने निकलेगा, क्योंकि उसे मेरी चिंता है। और ढूंढते ढूंढते वह यहाँ जरूर पहुँच जाएगा और मुझे निकाल लेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक इंसान बचाएगा, एक मनुष्य? वह कोई गहरा इंसान नहीं है और ना ही बस वो मेरा मालिक है। वो मेरा सच्चा मित्र है, मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मैं अपने दूध से उसका घर चलाने में सहायता करती हूँ। वह मेरे लिए वापस आएगा क्योंकि उसे मेरी चिंता है। और तुम्हारा घमंड, जिसमें डूब तुम ये कहते हो कि तुम्हें परिवार की जरूरत नहीं, मित्रों की जरूरत नहीं, कि इस पूरे जंगल पर सिर्फ तुम्हारा संयम है, एकदम गलत है। तुम इसी दलदल में डूब मरोगे। तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत है, तो भला तुम्हें कोई बचाने क्यों आएगा? कजरी बोली। अब ये सुनकर शेर भी सोच में पड़ गया कि इतनी देर से भी तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा है। अब बिना किसी के मदद के
कैसे बाहर निकलेगा। जिस गाय को वह बेसब्री से अपना खाना बनाना चाहता था, उसने तो समझो उसी को उलझन में फंसा दिया था ऐसा प्रश्न पूछकर, और खुद दूसरी तरफ मुड़कर शांति से बैठ आराम से अपने मालिक की राह देख रही थी। और फिर वह मालिक आया उसे छुड़ाने। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है जरूर आया होगा। कजरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिंदगी में बहुत जरूरी है किसी को अपना मानना, चाहे वह कोई परिवार में से हो या मित्रों में से। वह जिसको हम अपना मानते हैं और जो हमें भी अपना मानता है, वह हमेशा हमारी मदद के लिए हाजिर रहता है। सही कहा। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारे अपने ही हमारी मदद करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि हमें हमारे अपनों की कदर करना कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर कहानी में क्या हुआ आगे दीदी? वही जो अभी तुमने बताया। मालिक कजरी को ढूंढता हुआ आया और उसे दलदल में फंसा देख परेशान हो उठा। वह तुरंत खेत से रस्सी लाया और कजरी को किसी तरह दलदल से बाहर निकाल लिया और वापस घर ले गया। और वो घमंडी शेर जो गुस्से से अपने भोजन को निकल कर जाते देख रहा था, वही दलदल में फंसा गुर्राता रह गया। बहुत अच्छी कहानी थी ये तो, मजा आया। हमें भी कभी घमंडी होकर अपने परिवार की महत्वता को कम नहीं समझना चाहिए। बहुत बढ़िया, यही तो सीख थी इस कहानी की। अच्छा तो आज के लिए बस इतना ही। वापस लौटूंगी अगले हफ्ते तुम्हारे लिए कई और नई कहानियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।